अकोला एआईएमआईएम की जानिब से एनसीपी के खदावर रहनुमा अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने पर अकोला में जश्न मनाया गया। एआईएमआईएम के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने आज महाराष्ट्र भर में एआईएमआईएम के कायदीन व कारकुनान को आतिशबाजी करने और जश्न मनाने की हिदायत जारी की थी, क्योंकि एनसीपी के कायदीन हमेशा से एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा करते थे। ताहम अजीत पवार का बीजेपी में शामिल होना ये वाजे कर चुका है कि हकीकत में बीजेपी की बी टीम कौन है। अकोला एआईएमआईएम की जानिब से बस स्टैंड पर आतिशबाजी की गई और एनसीपी का असली चेहरा आयां हो जाने का जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में जावेद पठान, इरफान खान, शेख अहमद व दीगर ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज अलीन साहब के आदेश पर आज अकोला एमआईएम की तरफ से जो लोग हमेशा अपने मंचों से, जो सेकुलर मुस्लिम नेता राष्ट्रवादी पार्टी के अपने मंचों से हमेशा ही एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती थी, आज वो खुद बीजेपी में चले गए हैं और खासदार इम्तियाज जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को इनके सेकुलर होने के मुबारकबाद देना चाहिए। और ये लोग जो बीजेपी को आज साथ देने के लिए गए हैं, ये मोदी जी के 70,000 करोड़ के घापले का आरोप लगाने के बाद में इन लोगों ने पार्टी चेंज की है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईडी का डर है और ये लोग सत्ता की लालच में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आज यहाँ इस आंदोलन के जरिए जितने भी सेकुलर मुस्लिम नेता हैं इनको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि जो आप लोग हमेशा एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो आज पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की राज्य की जनता के सामने ये बात आ गई है कि कौन बीजेपी की टीम है और कौन आगे बीजेपी की टीम रहेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।